तो ये वीडियो आप लोग के रिवीजन के लिए रहने वाला है। जिस वीडियो को देखकर आपका फिजिक्स का एक तगड़ा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टाटा, गया, मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर। इसको देखने वाले हैं रैपिड रिवीजन के अंदर। तो आखिर सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसे टाइप का मटेरियल है जो कि कभी कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है तो कभी कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करता है। इसकी जो कंडक्टिविटी एक्चुअल में इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बीच की होती है। अगला टॉपिक होता है एनर्जी बैंड गैप्स। तो एनर्जी बैंड गैप्स का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से कि आप सभी लोग जानते हो कि हर एटम के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आप लोग थर्मल एजिटेशन करोगे तो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। जो जहां पहले बैठे हुए थे वो थे वैलेंस बैंड, और अब जहां चले गए वो है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो याद रखिएगा, अभी मैंने कहा कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस बैंड में चले जाते तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इनके बीच में फॉरबिडन गैप होता है, फॉरबिडन गैप ज्यादा रहेगा तो यार कंडक्शन बैंड में जा नहीं पाएंगे, तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं किया ना। और जितना ज्यादा ये करीब होगा उतना ज्यादा बेटर होगा। तो देखो, इंसुलेटर में ये बैंड गैप ज्यादा होता है, कमेंट बॉक्स में बताना कितना होता है भाई। वैलेंस बैंड में ये बहुत मिनिमल होता है, मुझे वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में कितना होता है। और कंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक दूसरे से ओवरलैप करता है, इस वजह से इजीली करंट यहां पे फ्लो होता है। इसके अलावा तुम लोग को ये चार्ट रटा हुआ रहना चाहिए, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम लोग डिफाइन करोगे मटेरियल्स को तो ये जरूर लिख कर आना। इसके अलावा क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर को ऑन दी सेमीकंडक्टर। जैसे यार टेम्परेचर आप बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सेमीकंडक्टर के अंदर पहले से यार इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहते, जैसे सफिशिएंट अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को कंडक्टर के अंदर मिलेंगे। तो यहां पे आयनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बढ़ने लग जाती है और फिर ये सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग जाता है और उसकी कंडक्टिविटी बेटर हो जाती है। अब देख लेते हैं कितने टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं। दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म का सेमीकंडक्टर होता है जिसमें नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर अगर हम डोपिंग कर दे तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर नहीं होती है। और एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज को एड ऑन किया जाता है जिसके अंदर एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन होता है जिस वजह से नंबर ऑफ होल्स की वैल्यू यहां पे कम हो जाती है, नंबर इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। पी टाइप की बात करें तो उसमें ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड की जाती है जिसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए होते तो एक की कमी हो जाती है जिस वजह से होल की वैल्यू यहां पे ज्यादा हो जाती है, इस वजह से इसको डोनर इंप्यूरिटी भी कहा जाता है। इसलिए इसे एक्सेप्टर टाइप कहते हैं और इसे डोनर टाइप कहते हैं। अगला होता है पीएन जंक्शन। बेसिकली करना क्या है, आप लोगों को पी टाइप सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ फैब्रिकेट कर देना। तो जब आप उसको फैब्रिकेट कर दोगे तो एक टाइप का आप लोग का जंक्शन फॉर्म हो जाएगा, उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। पीएन जंक्शन के बीचों बीच एक डिप्लीजन लेयर फॉर्म होती है, ये पोटेंशियल बैरियर की तरह काम करती है सो दैट इधर के इलेक्ट्रॉन इधर ना आ पाए। और डिप्लीजन लेयर जितनी ज्यादा पतली होगी उतना ज्यादा करंट का फ्लो तेज होने लग जाएगा, जितना ज्यादा मोटी होगी उतना ज्यादा यहाँ पे करंट फ्लो डाउन हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ पीएन जंक्शन के अंदर में जो बीचों बीच डिप्लीजन लेयर है वो रेगुलेटर की तरह वर्क कर रही है। अगर ज्यादा होगा तो करंट रुक जाएगा, कम होगा तो तेज दौड़ने लग जाएगा करंट। एक और चीज याद रखना कि पी टाइप सेमीकंडक्टर का पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड है और एन साइड अगर नेगेटिव से कनेक्टेड तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में वर्क करेगा, जहां पे डिप्लीजन लेयर पतली हो जाएगी, करंट बहुत फ्लुएंटली भागेगा। दूसरे केस में क्या होता है कि अगर पी टाइप नेगेटिव से कनेक्टेड है और एन टाइप पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो यहाँ पे डिप्लीजन लेयर मोटी हो जाती है, पोटेंशियल बैरियर ज्यादा हो जाता है जिस वजह से करंट का फ्लो यहाँ पे रुक सा जाता है। फॉरवर्ड रिवर्स के बारे में आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना। इसके अलावा पीएन जंक्शन जो था उसको आप लोग यार सिंबलाइज फॉर्म में इस तरीके से लिखते हो, पीएन डायोड के फॉर्म में। पीएन डायोड आप लोग को ऐसा देखो ऐसे एरो के फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब ये कि अगर करंट इस तरफ से जाने वाला है तो करंट दौड़ेगा फॉरवर्ड बायसिंग में और करंट दौड़ेगा डेफिनेटली सर्किट में, और अगर इस तरफ से जाएगा तो रिवर्स बायस में आ जाएगा और करंट का फ्लो रुक जाएगा। वीआई कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, फॉरवर्ड बायसिंग में आप लोग का नी वोल्टेज होता है जहां पे घुटने टेक देता है वोल्टेज और उसके बाद करंट की वैल्यू बढ़ने लग जाती है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, जैसे जैसे आप लोग वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करते हो करंट की वैल्यू नहीं बढ़ती लेकिन एक टाइम पे आके उस डिप्लीजन लेयर में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है कि वो डिप्लीजन लेयर फट जाती है और उस टाइम पे ब्रेकडाउन हो जाता है, और उस ब्रेकडाउन को ही कहा जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहां से वोल्टेज की वैल्यू अब कितना भी बढ़ा लो करंट सीधा ही जाते जाएगा। क्लियर दोस्त? अब जान लेते हैं क्या होती है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन। एक ही एप्लीकेशन आपको पढ़ना जो सिलेबस में वो है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जो अल्टरनेटिंग करंट के पावर को डायरेक्ट करंट के पावर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करके देता है। तो दो टाइप के होते हैं, फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। इनका जो प्रिंसिपल है फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पे वर्क करता है। अगर मैं बात करता हूं हाफ वेव रेक्टिफायर की तो देखो यहां पे एसी सोर्स कनेक्टेड है, यहां से आप लोग का ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, और याद रखना हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड यूज होता है। कंडीशन ऐसी है कि अल्टरनेटिंग करंट है तो करंट एक बार ऐसा दौड़ेगा और एक बार इसके अपोजिट में दौड़ेगा। तो जब करंट क्लॉकवाइज दौड़ा मान लो तो करंट एक्चुअल में दौड़ेगा और आप लोग को एक वेव शो होगी। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड ने वर्क किया, और जब अपोजिट में दौड़ने की कोशिश करेगा तो आप सभी लोग जानते हो कि ये रिवर्स में आ जाएगा और रिवर्स में आप लोग को कुछ भी शो नहीं होने वाला है सेकंड हाफ में। और जब ये वाली की बात आएगी तो आप लोग वापस से देखोगे फिर करंट इधर से दौड़ेगा तो फिर बन जाएगा। इस वजह से हाफ वेव के अंदर हमें कुछ इस तरीके
तरीके से शो होते हुए ग्राफ दिखता है। तो जब वेव बन रही है तो फॉरवर्ड बायसिंग हो रही है, जब नहीं बन रही है तो रिवर्स बायसिंग हो रही होगी उस कंडक्शन उस कंस्ट्रक्शन के अंदर। अब बात करते हैं हाफ वेव की, बात फुल वेव रेक्टिफायर की। यहाँ पे दो डायोड यूज होते हैं और इसको हाफ वेव से कुछ ज्यादा ही बेटर बना देता है। अल्टरनेटिंग करंट है तो करंट एक बार इधर से जाएगा और एक बार करंट इसके अपोजिट से जाएगा। तो मान लो अगर करंट इधर से जाएगा तो डायोड नंबर वन में फॉरवर्ड बायसिंग होगी, करंट उसके वजह से दौड़ेगा, भले ही डायोड नंबर सेकंड की वजह से यहाँ पे रिवर्स कंडीशन आ जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ कि डायोड नंबर वन की वजह से तो वेव बन गई ना, भले ही डायोड नंबर टू यहाँ पे रिवर्स में वर्क कर रहा है, फिर अल्टरनेटिंग करंट फिर अपना डायरेक्शन बदलेगा। तो देखो इस बार फॉरवर्ड में डी टू वर्क करेगा, डी वन रिवर्स में वर्क करेगा, इस वजह से सर्किट में एटलीस्ट करंट तो दौड़ेगा, तो इस वजह से सेकंड वेव भी बनी। आप लोगों ने यहां देखे थे कि यहां पे नहीं बन पाई थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, ब्लॉक ही हो गया था सर्किट। यहां पे ब्लॉक नहीं हो रहा है, दो डायोड होने की वजह से यहां पे सर्किट कहीं ना कहीं खुला ही हुआ है और आप लोग की कंटिन्यूस इस तरीके से फुल वेव्स बनते हुए चलती है। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके साथ आप लोग यार एमसीक्यू बैटल को आज ज्वाइन कर लेना, जो 18 मार्क्स आपके पका सकते हैं। आज के दिन 8 बजे मैं सेशन लेने वाला हूँ, रात को लाइव सेशन रहेगा, फ्री सेशन है, सभी लोग ज्वाइन करें। सिलेबस के सारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले, जो एग्जाम में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले। कल 18 मार्क्स के एमसीक्यूज सही में आप लोग की नैया पार करा सकते हैं। तो जल्दी से जाए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, क्लास को एनरोल करें, फ्री क्लास है। इन्विटेशन कोड मांगे तो भैया का नाम ZKI जकी लेके क्लास एनरोल हो जाएगी। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।